देश के महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में 5 सितंबर को उनकी जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, यह राष्ट्र निर्माता की आत्मनिर्भरता रोजगार छिन गई है। जब राष्ट्र निर्माता ही भूखा हो तो फिर अच्छे राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए जीविका के लिए ट्यूशन पढ़ाकर कोचिंग संस्थाओं में तैयारी कराते हैं। राष्ट्र निर्माता उज्जवल भविष्य के लिए बेरोजगार युवा एक अच्छे शिक्षक बनकर आत्मनिर्भर और आने वाले पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। परंतु आज ऑनलाइन पढ़ाई के चलते मोबाइल गेम में व्यस्त बच्चों पढ़ने में रुचि नहीं रहती। शिक्षक के सामने बैठकर पढ़ने में जो विश्वास और दृढ़ता का परिचय मिलता है और एक अनुशासनपूर्ण माहौल में पढ़ाई होती है, उसे बंद करने से कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। देखिए, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, पर आज यह दिवस हम लोगों के लिए एक काला दिवस बन गया है। पिछले 6 महीनों से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम लोगों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है और बच्चे गेम एडिक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया एडिक्ट हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा रही है। वो पढ़ना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, पर सरकार इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। पिछले 6 महीने से हम लोग यूं ही बैठे हैं, कोई सरकारी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ नहीं हो रहा है, रूम रेंट बढ़ता जा रहा हम लोगों के कोचिंग का। हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों को आर्थिक सहायता दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों का माफ़ करवाए, और जिस तरह सरकार 21 सितंबर से आगामी 21 सितंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाज़त दे रही है, जहां 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो शैक्षणिक कार्यक्रम करने की भी अनुमति दे, बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे। सरकार के जो भी गाइडलाइंस होगी, वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या मास्क सैनिटाइजर को लेकर के हो या थर्मल स्कैनिंग हो, हम लोग सबका पालन करेंगे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, पठन पाठन की प्रक्रिया अब शुरू की जानी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या करना है? मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है, और हम लोग राष्ट्र निर्माता कैसे बने जब हम लोग यूं ही बैठे रहे। जब शिक्षा ही चौपट हो जाएगी तो देश का विकास कैसे हो सकता है। शिक्षा की अनदेखी ना की जाए और जल्द से जल्द पठन पाठन की ये प्रक्रिया को शुरू करवाया जाए। मेरा नाम इमरान अहमद हुआ और मैं कटिहार प्राइवेट टीचर जी। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आज हर साल हम लोग बहुत खुशी खुशी शिक्षक दिवस मनाते थे, बच्चे जो है खुशी खुशी आते थे, पेरेंट्स जो है उनको तैयार करके भेजते थे, है ना, बच्चे जो है बहुत खुशी के साथ आते थे, जो भी हम उनके पीछे मेहनत करते थे, और हमें फील होता था कि हमने जो है बहुत बड़ा काम किया एज ए शिक्षक, एज ए टीचर। हमें ये फील होता था कि आज ये जो है हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है हम लोग मुँह छुपाए घूम रहे हैं, है ना, बच्चे भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही ठगे हुए हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हम लोग। कहीं मतलब बोलने को तो हर कोई बोलता है कि ये वी आर नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर, हम नेशन को बना रहे, लेकिन हमें आज तक ऐसा कभी, अभी पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कितने भी मतलब प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, उसमें जो है एजुकेशन का कहीं कोई कोई डिस्कशन ही नहीं है। जिस तरीके से आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर, जिस तरीके से आप जो है धार्मिक स्थल को खोल रहे हैं, जिस तरीके से आप शादी ब्याह में और जो है लोगों को इजाज़त दे रहे हैं, उसी तरीके से एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। इसमें जो भी गाइडलाइंस आए सरकार का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आप एक तरफ बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, एक तरफ बोलते हैं कि जो है आदमी जो है फौज में लड़ रही है, शहीद हो रहे हैं, वो महान है, कैसे बन रहे हैं, वो बन कैसे रहे, उनको बनाने वाले यही शिक्षक है जिसको आज आप इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम सब लोग काला शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें, हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए ना, ताकि हमारी बेरोजगारी कम हो, हमारी भी फैमिली है। नहीं, इससे पहले भी इस तरह के लोग इकट्ठा हुए, बात जाती है डीएम साहब तक, उसके ऊपर जाती है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, आने वाला है ऑर्डर, आने वाला है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मामले में। मेरा नाम सालिक है, मैं एज ए मैथमेटिक्स फैकल्टी कटिहार में एक और टीचर की तरह मैं भी एक टीचर हूँ।